नमस्ते, कैसे हैं आप सब। टैट लवर्स 111 पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। आज मैं आ गई हूँ एक पत्रकार रीडिंग लेकर और बहुत ही खूबसूरत टॉपिक के साथ, और ये टॉपिक लव रीडिंग पर ही होने वाली है, ठीक है। आप और आपके पर्सन, जी हाँ, आप दोनों का ही भविष्य क्या होने वाला है साथ में, इसी पर आज की हमारी रीडिंग होने वाली है कि यानी कि आप दोनों का फ्यूचर साथ में होगा या नहीं, भविष्य में क्या लिखा गया है आप दोनों के लिए, आप दोनों साथ होंगे, आप दोनों की शादी हो जाएगी, आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो क्या होने वाला है, इसी पर हम आपके पर्सन और आपके बारे में रीडिंग आज कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है और ये अपडेटेड रीडिंग मैं कर रही हूँ, हालांकि इस टॉपिक पर मैं रीडिंग पहले भी कर चुकी हूँ। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनका अभी तक पैचअप नहीं हुआ है, अभी भी दूरी चल रही है, अभी भी आपके पार्टनर की तरफ से कोई एक्शन आपको नहीं मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने रखे हैं दो पाइल गाइस। पहला है टोटालिटी का। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी आपके पोषण के बिना बिल्कुल अधूरी है, आप जो है इनसे अलग हो गए हो, टोटालिटी का मतलब क्या होता है ना, जुड़ना एक साथ, है ना, ऐड होना। तो अगर आप भी इनके साथ इसी तरीके से एक होना चाहते हो, जुड़ना चाहते हो, ताउम्र है ना इनके साथ ही ज़िंदगी बिताना चाहते हो, और आपको लगता है कि इनके बिना आपकी ज़िंदगी अभी माइनस हो गई है ना, टोटल ऐड नहीं हो रहा, माइनस हो गई है, तो आपको टोटालिटी का कार्ड सेलेक्ट करना है। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन जिनसे आप प्यार करते हो, जिनके साथ आपका रिश्ता रहा है, वही आपकी दुनिया है, उनके बिना आपकी दुनिया अधूरी है, अगर आपको ऐसा लगता है, तो वी आर द वर्ल्ड का जो ये दूसरा पाइल है, ये आपको सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने का प्रोसेस आप जानते हो, दिल पर हाथ रखिए, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, अच्छी 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 बातें सोचिए, पॉजिटिविटी को अपने अंदर पूरी तरीके से डाल लीजिएगा इस, ठीक है, नेगेटिविटी को बाहर फेंक दीजिए, ठीक है, और इस तरीके से पाइल सेलेक्ट कीजिए ताकि आपको रिजल्ट भी पॉजिटिव मिले, है ना। तो गाइस, आई होप आपने पाइल सेलेक्ट कर ली है। मैं स्टार्ट करूंगी टोटालिटी के कार्ड से, इसे अभी हम हटा देते हैं यहाँ से, और ये है पाइल नंबर 1, टोटालिटी, जुड़ना। तो देखते हैं आप दोनों का भविष्य क्या है, आपके पार्टनर के साथ आपका भविष्य कैसा है। मेरी दुनिया है तुझ में कहीं, तेरे बिन मैं क्या कुछ भी नहीं। मेरी जान में तेरी जान है ओ साथी मेरे, मेरी दुनिया है तुझ में कहीं, तेरे बिन मैं क्या कुछ भी नहीं। चलिए गाइस, कर लिए कार्ड के सैंपलिंग, आप निकालते हैं और देखते हैं आप दोनों प्यार करने वालों का भविष्य क्या है साथ में। फाइव ऑफ वैंड्स, ओके, एट ऑफ सोर्ड्स, वाओ, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स। अब पांच कार्ड्स और निकालेंगे। वाव, एस ऑफ कप्स, हरमेट, कम्युनिकेशन, एट ऑफ वैंड्स मिला है हमें, बहुत सारे एक्शन मिले हैं, नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, और बॉटम में हमें मिला है द स्टार। ओके, तो चलिए देखते हैं आप दोनों का फ्यूचर साथ में कैसा होने वाला है, उस इंसान के साथ जिसे आप करते हो बहुत ज्यादा प्यार, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग।
सो पाइल नंबर वन, देखिए आपके इस रीडिंग में वर्गो और एक्वेरियस स्ट्रांग है सबसे ज्यादा, और उसके बाद आई है एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि। उसके बाद वाटर साइन है प्यार का साइन यानी कि कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक मीन राशि, और उसके बाद यहाँ पर आया है फायर साइन लियो सैटर्नस सिंह धनु और मेष राशि। ठीक है, तो ये साइन और एलिमेंट आए हैं आपके। अब गाइस यहाँ पर देखिए आप दोनों का भविष्य क्या है, भविष्य बताऊँ उससे पहले तो प्रेजेंट एनर्जी बतानी पड़ेगी ना, तभी तो जाकर रीडिंग रेजोनेट होगी कि आप दोनों के बीच में रिश्ता आखिर चल कैसा रहा है, कैसी बीत रही है आप दोनों की प्रेम कहानी, इसे तो पहले क्लियर करना जरूरी है। तो मैं बता दूं अभी तो बहुत ज़्यादा तन्हाई है, बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है आपके रिलेशनशिप में, टूटा हुआ दिल है, रातों की नींदें गायब हैं, है ना, ऐसी चीज़ें नज़र आ रही है आपके पोषण के एनर्जीज में मुझे, क्योंकि मैं ये कर रही हूँ आपके पोषण के लिए रीडिंग, है ना, क्योंकि भविष्य तो भविष्य में तो उन्हें तो आपके पास आना है ना। तो अभी क्या चल रहा है गाइस, देखिए बहुत सारी मुश्किलें हैं आपके इस बंदे या बंदी की जिंदगी में, है ना, जो कुछ तो इनके खुद के बिहेवियर के वजह से हुई है। जैसा कि फाइव ऑफ वैंड्स को जब मैं देखती हूँ तो नज़र आता है कि आपके पोषण में ईगो, गुस्सा, घमंड, है ना, ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा भरी हुई है आपके पोषण के अंदर। एक पहला ये नेगेटिव पॉइंट जो है मुझे आपके पोषण में नज़र आया है। ओके, आप जब रिलेशनशिप में रहा करते थे इनके साथ तब भी बहुत ज़्यादा यू नो तू मैं कभी कभी हो जाती थी, छोटी छोटी बातों पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती थी। ठीक है, ये एक नज़र आ रहा है इनके कैरेक्टर में। दूसरा यहाँ पर ये नज़र आता है गाइस कि आपके रिलेशनशिप के बीच में ना बहुत सारे लोग भी दखलंदाजी करते आए हैं, ऐसा भी नज़र आता है। इस कार्ड को आप देख लो, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं जो झगड़े कर रहे हैं, जो आपके पर्सन को यू नो पर्सन के कान को भरते रहते होंगे, उन्हें मिसगाइड करते होंगे आपके खिलाफ। दूसरा यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी आया है जो ये दिखा रहा है कि एक मदर फिगर है, बहुत स्ट्रांग है मदर फिगर, जो नहीं चाहती कि बिल्कुल आप इनकी ज़िंदगी में शामिल हो जाओ, आपके पोषण आपको प्यार करे, आपके पोषण आपको अपनी ज़िंदगी में लेके आए। तो माते रानी का बहुत बड़ा हाथ नज़र आता है। इसके अलावा सोसाइटी, कास्ट, रिलीजन, ये भी चीज़ें हैं जो आप दोनों के बीच में जो है ना दीवार बनकर खड़ी हुई है। ओके, तो इन सब मजबूरियों के वजह से ना आपके पोषण ने कहीं ना कहीं आपको अपने से दूर किया है, ब्लॉक भी कर रखा है। बहुत सारे लोगों का ऐसा नज़र आता है कि सोशल साइट्स पर ब्लॉक कर रखा है, बातचीत ढंग से नहीं कर रहे, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही, फीलिंग्स नहीं बता रहे, है ना। ये सब चीज़ें क्यों हो रहा है गाइस, आखिर ये सब चीज़ें करने के पीछे की वजह मैंने आपको बता दी कि लोगों का बहुत ज़्यादा खिलाफ हो जाना, आप दोनों के प्यार के खिलाफ हो जाना ही मुझे यहाँ पर नज़र आता है, जिसके वजह से जो है ना आपके पोषण अपने आप को बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड महसूस करते हैं। ट्रैप्ड का मतलब होता है अपने आप को बंधा हुआ, बंधनों से बंधा हुआ नहीं, बंधा हुआ जैसा सोचते हैं कि कहीं पर भी कदम बढ़ाने की आज़ादी नहीं है, अपनी इच्छाओं को पूरा करने की आज़ादी नहीं है, जिससे प्यार किया उससे अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की इजाज़त नहीं है। तो बंदी से बहुत ज़्यादा है जिन्होंने आपके पोषण को बिल्कुल यू नो इस तरीके से जकड़ लिया है, जिसके वजह से आपके पोषण ने कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स में आकर, मजबूरी में आकर यू नो आपसे शायद रिश्ता तोड़ा है, रिश्ता दूर किया है। ओके, तो ये सब चीज़ें नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है कि आपको यहाँ पर चीट किया गया है, या थ्री ऑफ सोर्स यहाँ पर आया है, थर्ड पार्टी तो ऑलरेडी आपके यहाँ पर बहुत सारी है। देखिए थर्ड पार्टी से भरा हुआ रीडिंग है ये, और इस कार्ड को भी अगर आप देखो तो ये डायरेक्ट चीटिंग को दिखाता है कि आपके पोषण और कोई तीसरा यहाँ पर तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा कोई बंदा या बंदी जो है आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में आ गई है। ओके, आ गई है या आ गया है, जिन्होंने आप दोनों को जुदा किया है। तो धोखे का एंगल भी कुछ नज़र आता है। तो बहरहाल दूरी होने के पीछे की वजह बहुत सारी है, है ना, मजबूरी नज़र आती है, तो कहीं इनका खुद का एटीट्यूड, गुस्सा, घमंड नज़र आता है, तो कहीं चीटिंग वाला एंगल भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। कास्ट वगैरह तो है ही यहाँ पर, है ना, कास्ट, रिलीजन, पैसे रुपए का लेन देन, ऊंच नीच समाज का, ये सब चीज़ें तो है ही, है ना, इसके अलावा चीटिंग भी नज़र आती है। तो गाइज अभी दूर होने के बाद में आपके पर्सन किस कंडीशन में है, ये तो मैंने आपको पास्ट की बातें घटनाएं बता दी, अब देख लेना आपसे कौन सी मैच होती है। अभी प्रेजेंट सिचुएशन में आपके पर्सन यहाँ पर हर्मिट के मोड में चल रहे। देखिए हर्मिट का मोड जब आता है रीडिंग में, है ना, तो मुझे एक हिसाब से 50% मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, और 50% मुझे थोड़ी सी सैडनेस इसलिए होती है क्योंकि एक्शन यहाँ पर थोड़ा धीरे मिलता है। ठीक है, धीरे मिलता है, और यहाँ पर एक्शन भी उसी टाइप का ही आया है, मैं अभी आपको बताऊंगी कि कैसा एक्शन आया है। देखिए हर्मिट के मोड में आपके पोषण है, क्योंकि एक इंसान जो
इन समस्याओं से निकल नहीं पा रहा, इन्हें रास्ते नहीं समझ आ रहे कि आप तक कैसे पहुंचा जाए। आपका दिल तो ये तोड़ चुके हैं और आपका दिल तोड़ने के बाद में इस इंसान का खुद का ये हाल हो रखा है। बहुत इनका दिल दर्द होता है, बहुत पेन फील कर रहे हैं, है ना। आपको इन्होंने अगर छोड़ा है, धोखा दिया है, आपसे रिश्ता तोड़ा है, तो इस बात का रिग्रेट इस इंसान को इस हद तक हो रहा है ना कि ये इंसान पछतावे की आग में जल रहे। देखिए, हमें यहाँ पर नाइन ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड आया है सबसे ऊपर में, ये कार्ड दिखाता है कि आपके साथ किए गए सलूक के वजह से, बुरे बर्ताव के वजह से, चाहे ये इनकी मजबूरी रही हो या इनकी जानबूझकर की गई गलतियां हो, इस इंसान को पछतावा बहुत हो रहा है। ये सो नहीं पा रहे रातों को, है ना। नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव बातें सोचने लग जाते हैं, है ना। अपने आप को कोसने लग जाते हैं, इन्हें रिग्रेट होने लगता है, पास्ट की बातों को बहुत सोचना। नाइन ऑफ सोर्ड्स हमेशा एक ऐसा कार्ड होता है जो पास्ट की एनर्जीज को दिखाता है, और पास्ट में इनके कौन था, पास्ट में आप थे इनके लाइफ में, है ना। तो आपके साथ बीते हुए हर पल को ये याद कर रहे हैं, आपके साथ की गई हर झगड़े को ये याद कर रहे हैं, आपके साथ किए गए बुरे सलूक को ये याद कर रहे हैं, और ये चीज़ें, ये तमाम जो चीज़ें हैं ना गाइज, आपके पोषण को सोने नहीं दे रही है। ये इंसान ढंग से सो नहीं पा रहा, इन्हें लगता है कि मेरी बहुत सारी गलतियां हुई है, मिस्टेक्स हुई है, तो ये अभी जो है हर्मिट के प्रोसेस में है, यानी कि अपने आप को सुधार रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन भी बहुत कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन का दो दो कार्ड हमें मिला है, पहला है हर्मिट, दूसरा है स्टार, यानी कि आपके पोषण को पूजा पाठ करना भी आता है, ऊपर वाले से मन्नतें मांगनी भी आती है, दुआएं मांगनी भी आती है, अपनी गलतियों का यू नो रिग्रेट बहुत ज़्यादा ये इंसान कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस इंसान की तकलीफें इतनी हद से ज़्यादा है ना कि इन्हें लगता है कि मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, है ना। तो तब जाकर इन्होंने जो है यहाँ पर ऊपर वाले से हेल्प मांगनी शुरू की है, यानी कि हर्मिट के मोड में आपके पोषण है, जहाँ पर इस इंसान को बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। ये इंसान अकेले रहना पसंद करते हैं, आपके बिना बहुत ही अकेला महसूस कर रहे हैं, तकलीफ में है, दर्द में है, है ना। इससे ज़्यादा क्या मैं आपको बताऊं कि इस इंसान का प्यार एक झूठ था या सच था, आप खुद समझ लो गाइस। अगर आपसे दूर होकर कोई इंसान अपने आप को अकेला पा रहा है, अपने आप को मजबूर पा रहा है, उसने उम्मीदें छोड़ दी है जीने की, है ना, तो ये इस इंसान का प्यार तो डेफिनेटली सच्चा ही होगा ना। मुझे तो यहाँ पर कोई भी ऐसा नज़र नहीं आता कि इस इंसान ने जानबूझकर आपको तकलीफ दी है, हर्ट किया है। ओके, कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर हुआ है ना, पर ये सभी की एनर्जीज नहीं होती, सभी के इंसान धोखा ही नहीं देते, पर कुछ को तो यहाँ पर धोखा भी मिला है। पर जो भी हो, चाहे धोखा दिया गया हो या चाहे मजबूरी हो, आपके पोषण को अभी इस प्रेजेंट हाल इस जो सिचुएशन है, जो अभी वर्तमान काल है, इसमें बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है और ये जो है सुधरने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है गाइस, अब मैं आपको बताती हूँ कि आप दोनों का भविष्य क्या है साथ में। देखिए, आपने यहाँ पर टोटालिटी का यानी कि जोड़ घटाओ, है ना, आपने यहाँ पर जुड़ने का कार्ड साइड किया है, टोटल होने का, एक और आपके पोर्शन एक और आप एक मिलकर, है ना, आप लोग जो जो है दोनों मिलकर एक हो जाओगे, है ना, इस तरीके का आप लोगों ने यहाँ पर सोचा है, तभी टोटालिटी का कार्ड सेलेक्ट किया है। तो आप दोनों का भविष्य यहाँ पर क्या होगा, देखिए गाइस, पहली बात, आपके पोषण हर्मिट के मोड में है, सुधर रहे हैं, बदल रहे हैं, है ना। हमें यहाँ पर मिला है बहुत सारा एक्शन, नाइट ऑफ कप्स का एक्शन, यानी कि प्यार, प्रपोजल, ये सब कोई भी प्यार से संबंधित कोई भी एक्शन होता है, ये एक्शन जो है आपके पोषण आपकी तरफ ले रहे हैं। ठीक है, पहली बात ये है कि वो प्यार ही आपको ऑफर करेंगे। दूसरी, यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है जो दिखाता है कि यहाँ पर भी आपको प्यार ही दिया जा रहा है, आपके पोषण की तरफ से प्यार ऑफर कर रहे हैं, ना। यहाँ पर भी मिला है नाइट ऑफ सोर्ड्स का एक्शन जो दिखाता है कि आपको जीतने के हिसाब से ये आपकी जिंदगी में, आपकी दुनिया में वापस आएंगे, यानी कि जो प्यार खो चुका है इनकी ही गलतियों की वजह से, जिस प्यार में दरार पड़ चुकी है इनकी ही बेवकूफ़ियों की वजह से, तो उस हारे हुए प्यार को ये इंसान जीतना चाहते हैं। ध्यान से सुनिए, ओके। तो यहाँ पर दो है प्यार, यहाँ पर एक आया है आपको जीतना, आपकी जिंदगी को जीतना, आपके प्यार को फिर से जीतना। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर आप दोनों का भविष्य मुझे प्यार से ही जुड़ा हुआ नजर आता है, यानी कि आपके पोर्शन जब इस हर्मिट के मोड से निकलेंगे, यानी कि इस कछुए की चाल से निकलेंगे, जितना जल्दी ये निकलेंगे आपकी तरफ ये कदम बढ़ाएंगे और आपको प्यार ऑफर करेंगे। जी हाँ, प्यार ऑफर करेंगे, यानी कि अभी मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बता सकती कि आप दोनों का
शादी का यहाँ पर कोई प्रपोजल आपको मिलेगा या फिर इंगेजमेंट का कोई प्रपोजल मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप दोनों का भविष्य जो इस हर्मिट के मोड के बाद जो स्टार्ट होगा उसमें जो है आपको आपके पर्सन की तरफ से प्यार वाला प्रपोजल मिल सकता है। ठीक है, आप दोनों का भविष्य ऐसे स्टार्ट होगा, यानी कि एक ही बार में ब्रेकअप चल रहा है, दूरी चल रही है और कल फटाक से आपको कॉल करके ये नहीं कहेंगे कि मुझे तुमसे शादी करनी है। ठीक है, आप ध्यान से सुनो मेरी बात को कि मुझे तुमसे शादी करनी है, मुझे तुमसे इंगेजमेंट करनी है, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ तुम्हारे पेरेंट्स से बात करने या तुम आ जाओ मेरे पेरेंट्स, ऐसा ऐसा नहीं होगा। ये आपको प्यार का ही प्रपोज पहले करेंगे, ठीक है, और ऐसे जो है शुरुआत होगी और इसके बाद आप दोनों का फ्यूचर क्या होगा ये शायद नेक्स्ट रीडिंग में पता चलेगा। जब इसकी अपडेटेड रीडिंग में बाद में करूंगी तब पता चलेगा, पर इस रीडिंग में मुझे सिर्फ और सिर्फ आप दोनों का भविष्य प्यार से शुरू होता हुआ ही नजर आ रहा है। समझ गए, क्योंकि प्यार प्यार और आपको आपके दिल को जीतना जिसे इन्होंने खुद तोड़ा है। ओके, तो यही चीज मुझे यहाँ पर आप दोनों के फ्यूचर में नजर आई है। और एक खूबसूरत बहुत बहुत एक अच्छी बात मैं आपको बता दूं गाइस, बॉटम में देखें इनका स्टार का कार्ड आया है ना। स्टार में मैंने पहले ही कहा कि ये इंसान कुछ चीजों को लेकर मन्नतें मांग रहे हैं, है ना, आपको यहाँ पर नहीं, ये अपनी जिंदगी में नहीं शामिल कर पा रहे, मजबूरी से भरे हुए इंसान है, तो इन्होंने ऊपर वाले से बहुत सारी विशेष मांगी है। तो यहाँ पर खुशखबरी ये है कि इनकी तमाम विशेष जो भी इन्होंने आपको और इनको लेकर देखा है, मांगा है ऊपर वाले से, तो वो विशेष जो है इनकी पूरी कर दी जाएगी ऊपर वाले की तरफ से। ओके, जो आपके साथ जुड़ी हुई है। ओके, आप में से कुछ लोगों को यहाँ पर ब्लॉक किया गया है, तो आप ये ध्यान दीजिए कि बहुत जल्द आपको अनब्लॉक किया जाएगा। कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई कम्युनिकेशन आपके पर्सन की तरफ आपकी तरफ बढ़ता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आया है, यानी कि जो दीवार आपके पर्सन ने खुद खड़ी की थी आपकी तरफ, है ना, ये दीवार जो है ये खुद गिराएंगे और आपकी तरफ जो है ये इंसान बातचीत करके इस बात को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान ये दीजिए कि हर्मिट का मोड चल रहा है, एक्शन बहुत सारे आए हैं, कुछ को मिल जाएगा आज की रीडिंग में एक्शन, ओके, पर कुछ को थोड़ा वक्त लगेगा। हर्मिट का कार्ड इतना आसान कार्ड नहीं होता है गाइस, क्योंकि इंसान बदल रहा होता है, हील हो रहा होता है, है ना, अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहा होता है, तो ऐसे प्रोसेस में टाइम लगता है। और यही वजह है कि बहुत से रीडिंग्स आप लोग देखते हो और आप लोग कमेंट करते हो कि इतने महीने से देख रहे हैं पर हमारे पर्सन ने एक्शन नहीं लिया, तो वो उसके पीछे की कुछ बातें ऐसी होती है जो आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, अभी हर्मिट का मोड किस वक्त खत्म होता है ये हम नहीं अभी बता सकते गाइस, रीडिंग के जरिए हम नहीं बता सकते। हाँ, हर्मिट के साथ व्हील ऑफ फॉर्च्यून अगर आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि शायद अब जल्द ही ये प्रोसेस खत्म हो रहा है, पर आज की रीडिंग में व्हील ऑफ फॉर्च्यून जैसा कार्ड नहीं आया है, तो दिखा रहा है कि एक्शन से भरा हुआ कार्ड है, एक्शन आपके पर्सन लेंगे और प्यार का ही एक्शन लेंगे, है ना, पर इसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है, पर कुछ लोगों को जल्द भी इनका कोई ना कोई कम्युनिकेशन आ सकता है। और भविष्य में मुझे सिर्फ और सिर्फ इनका अभी प्यार प्रपोज करना ही नजर आया है, शादी इंगेजमेंट जैसी बातें नजर नहीं आई है। तो यही है गाइस, आपके पर्सन आपसे डेफिनेटली जुड़ने के लिए आ रहे हैं, पर इस जुड़ने पर क्या है इनका, इनके थॉट्स में क्या है, इनके थॉट्स में अभी मुझे सिर्फ प्यार नजर आया है। ओके, रिलेशनशिप में प्यार नजर आया है, बाकी जो बातें हैं आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसा आगे बढ़ता है उसके बाद ही ये डिसाइड करेंगे कि आपके साथ कैसा किस तरीके का रिलेशनशिप इस इंसान को चाहिए, पर शुरुआत प्यार से ही ये करना चाहते हैं। तो गाइज यही थी आपकी बहुत ही प्यारी सी रीडिंग, आई होप आपके पर्सन जल्द से जल्द हर्मिट के मोड से निकले और आपकी तरफ प्यार लेकर वापस आ जाए, है ना, यही मेरी विशेष है आप सभी को। इतना कहते हुए गाइज मैं अब रीडिंग को कर रही हूँ क्लोज, आपको रखना है अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय गाइज। हे गाइस, वेलकम बैक। सो जिन्होंने भी वी आर द वर्ल्ड, यानी कि हम दोनों एक दूसरे की दुनिया है ना, है कि नहीं गाइस, हाँ, ये कार्ड सेलेक्ट किया है ना, चले देख लेते हैं कि क्या आपके पर्सन आपकी दुनिया में आएंगे, क्या आपको अपनी दुनिया में बुलाएंगे, आप दोनों ही एक दूसरे की दुनिया बन जाओगे, क्या होने वाला है आप दोनों का भविष्य, इसी पर होने वाली है आज की रीडिंग। ठीक है, तो दिल थाम लीजिए, पॉजिटिव एनर्जी में रहिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ज़्यादा टेंशन मत लो, ठीक है, टेंशन से कुछ नहीं होता, पॉजिटिव रहोगे तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। दुखी रहोगे, आंसू गिराओगे ना, तो ईश्वर भी कहेंगे कि कैसा रोतड़ू इंसान है, हमेशा रोता रहता है, रोती रहती है ना, तो वो भी आपकी मदद नहीं करेंगे। तो ईश्वर को, भगवान को, अल्लाह को खुश करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है जानते हो, कि किसी भी हालात में खुश रहो, मुस्कुरा कर दिखाओ उन्हें, है ना, कि आप जो दोगे हमें मंजूर है, दर्द दे दो, खुशियाँ दे दो, हम हंस कर ले लेंगे, है ना, तो वो भी
परीक्षा लेते लेते थक जाएंगे आपकी, है ना, और बोलेंगे कि अब बस बहुत हुआ अब इसे जो है खुशियाँ ही देनी है, इसीलिए पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है लाइफ में। समझ गए गाइस, समझदार हो आप लोग। चलिए अब कार्ड की सप्लिंग हो गई है ऑलमोस्ट, ओके। पहला कार्ड नाइन ऑफ वैंड्स, वाओ, पेज ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, बिंगो, पायल नंबर टू, लॉटरी लग गई, लड्डू खिलाओ जल्दी से जाकर मजा आ गया। अब क्या बताऊं भविष्य आप दोनों का, हाँ गाइस, जब इतना प्यारा इतना खूबसूरत रिश्ता निकल कर आया है सामने, तो अब मैं क्या बताऊं भविष्य आपका। देख लीजिए, इसके साथ वर्ल्ड का कार्ड भी निकल कर आ गया, देख लीजिए आपने यहाँ पर क्या सेलेक्ट किया था, ये भी देख लीजिए, वी आर द वर्ल्ड और आपको मिला है द वर्ल्ड का कार्ड। तो चमत्कार हो गया ना गाइस, लॉटरी लग गई ना, वाओ, अब कोई ताकत नहीं रोक सकती आप दोनों को एक दूसरे की दुनिया का हिस्सा बनने से, कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। ये टू ऑफ सोर्स को मत देखो, मिट्टी डालो गाइस, कोई फर्क नहीं पड़ता आप उनको। यहाँ पर टू ऑफ कप्स आ चुका है ना, वाओ, एस ऑफ कप्स, बहुत खूबसूरत कार्ड्स, दिल मेरा मचल गया गाइस, वाओ, जस्टिस। देख लीजिए आपकी एनर्जी भी आ गई है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, आपकी रीडिंग बहुत मस्त है गाइस, बहुत मस्त है। देख लीजिए दूसरी भी आपकी आ गई, क्वीन ऑफ कप्स, देख लीजिए, वाओ, मैजिक, चमत्कार, ये क्या हो गया आज के रीडिंग में गाइस, इतना बेहतरीन कार्ड्स, वाओ, देख लीजिए यहाँ क्या आया है, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, मजा आ गया, कार्ड्स को देखकर ही मजा आ गया। अब रीडिंग देखो गाइस, कितनी भयंकर होने वाली है आपकी रीडिंग, ठीक है। साइन और एलिमेंट आपको मैं बता देती हूँ, यहाँ पर तो मुझे सबसे ज्यादा कप्स 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 ही नजर आई है, यानी कि प्यार की एनर्जी, वाटर साइन, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, कर्क वृश्चिक मीन राशि, और इस रीडिंग में लिब्रा बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पर बाकी सभी एनर्जीज थोड़ी 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 नजर आई है, पैंथर्स की एनर्जी इसके बाद ज्यादा है, यानी कि अर्थ साइन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि, अर्थ साइन भी है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन तुला कुंभ राशि, फायर साइन भी है, लियो सैजिटेरियस, सिंह धनु और मेष राशि। सो पाइल नंबर वन, सुनिए, यहाँ पर तो जन्म जन्म वाला रिश्ता निकल कर आ ही चुका है, टू ऑफ कप्स आ गया, साथ में द वर्ल्ड आ गया, साथ में आपकी दो दो एनर्जी आ गई, मैजिशियन आ गया, जस्टिस आ गया, एस ऑफ कप्स आ गया, पेज ऑफ कप्स आ गया। अब मैं आपको क्या बताऊं कि आप दोनों का भविष्य क्या है। आपने चाहा था कि आपकी जो जिंदगी है वो आपके पोषण के साथ बीते, इनके साथ ही गुजरे, आपको अपनी दुनिया में और कोई इंसान नहीं चाहिए, कोई शख्स नहीं चाहिए, ठीक है। और आपके पोषण की भी फीलिंग सेम टू सेम वैसे ही डिट्टो कॉपी कैट वाली फीलिंग्स है जो आपकी है यहाँ पर। देखिए इनके यहाँ पर विद द वर्ल्ड का कार्ड निकल कर आ गया है ना, तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि आपके पर्सन और आपके बीच में जो है एक लव रिलेशनशिप ही नहीं, आप दोनों का सिर्फ ये अट्रैक्शन वाला प्यार नहीं है, ये आपका दिल से दिल का नाता है, दिल से दिल जुड़ा हुआ है। शरीर अभी भले ही आप दोनों के जुदा है, आप दोनों अलग हुए हो, पर आपके दिल से इन्हें कोई नहीं निकाल सकता और ना ही इनके दिल से आपको कोई निकाल सकता है। तो इस तरीके का कनेक्शन आप दोनों का यहाँ पर बनकर निकल चुका है, यानी कि सोलमेट का कनेक्शन, ठीक है। अभी कुछ वजहों के कारण है ना दोनों में दूरी आई है, जो दो कार्ड्स को देखकर, दो नहीं तीन कार्ड्स को देखकर मुझे पता चल रहा है दूरी कैसे आई है। देखिए पहला यहाँ पर टू ऑफ सोर्ड्स आया है, जो दिखाता है कि आपके पोषण चुनाव करने में थोड़ा चुक गए, है ना, गलती इनसे हो गई, आंखों पर पट्टी बांधकर इन्होंने जो है डिसीजन ले लिया, यानी कि दिल की बिल्कुल नहीं सुनी, दिमाग से ही इन्होंने जो है फैसला लिया, और जो है दोनों में एक चुनना था तो इन्होंने क्या किया, किसी और को चुन लिया, आपको इन्होंने अपनी जिंदगी से शायद बेदखल कर दिया। अब ये जो दूसरा इंसान है या दूसरी इनकी सिचुएशन है, ये कुछ भी हो सकती है, आपको ध्यान देना है, क्या इनका कैरियर स्ट्रांग नहीं था,
कि आपको ये जो है अपने कैरियर स्ट्रांग ना होने की वजह से आपको अपनी ज़िंदगी में नहीं ले पाए, हो सकता है कि फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट हो। दूसरी वजह इनकी खुद की फैमिली हो सकती है या आपकी फैमिली हो सकती है, इनका रिलीजन या आपका रिलीजन में डिफरेंस हो सकता है, कास्ट में डिफरेंस हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, हेल्थ भी हो सकता है कि आपकी हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम्स है या इनकी हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम्स है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हुई है जिन्हें ये चुन नहीं पाए ढंग से और इन्होंने बहुत बड़ा एक गलती कर दिया अपनी ज़िंदगी में, मिस्टेक कर दिया। और ये मिस्टेक करने के बाद ना आज इनके प्रेजेंट सिचुएशन में मुझे जो नज़र आया है वो है कि ये अपने आप को बहुत ब्लेम लगा रहे हैं, यानी कि अपने आप को दोषी मान रहे हैं, अपने आप को दोषी मान रहे हैं। गाइस देखिए यहाँ पर 9 of Wands आया है ना। ये कार्ड क्या दिखाता है? ये कार्ड दिखाता है कि मेरे से मैंने जो डिसीजन लिया था वो डिसीजन मेरा गलत साबित हुआ। मैंने बहुत बहुत जल्दबाजी में जो मैंने फैसला लिया वो फैसले की वजह से आज मेरी ज़िंदगी में तन्हाई है, मैं अकेला हूँ, मैं फेलियर हो गया हूँ, मैं हार चुका हूँ, मैं एक हारा हुआ इंसान हूँ। तो इस तरीके की फीलिंग्स इस इंसान के जहन में, इस इंसान के दिल और दिमाग में मुझे अभी महसूस हो रही है। कहने को बहुत सारे लोग हैं, तमाम लोग हैं, भीड़ में है ये इंसान, ठीक है, अकेला नहीं है। आप इनको देखते होगे तो आपको नजर आता होगा कि मौज मस्ती कर रहे, घूम फिर रहे हैं, नई नई फोटोज डाल रहे हैं फेसबुक में, व्हाट्सएप में, है ना, डीपी लगा रहे हैं नई नई, है ना। तो ये इंसान कैसे अकेला हो सकता है? जी हाँ, ये इंसान भीड़ में ही तो है। मैंने कब कहा कि ये इंसान अकेले खड़े है? मैंने कब कहा कि ये हर्मिट के मोड में है और ये जो है अपने आप को एकदम इन्होंने आइसोलेट कर रखा है अकेले? नहीं, आपको नजर यही आ रहा है जो ये दिखा रहे हैं कि ये भीड़ में है, लोगों के बीच में है, परिवार के साथ है, खुश है, पर इनकी इनर फीलिंग्स जो है वो बिल्कुल इससे ऑपोजिट है जो आपको दिख रही है दूर बैठकर, है ना। यानी कि ये अपने आप को एक फेलियर इंसान मान रहे हैं, अपने आप को ही दोषी करार दे रहे हैं। इन्हें लगता है कि इन्होंने आपके साथ बहुत अन्याय कर दिया है। जी हाँ, जस्टिस का कार्ड हमें मिला है जो दिखाता है, मैं कह रही हूँ ना कि इस इंसान को रिग्रेट है कि मैंने जो फैसला लिया वो गलत डिसीजन था, वो गलत फैसला था, मुझसे गलती हुई है। तभी जाकर इस इंसान को लग रहा है कि मैंने अन्याय भी कर दिया, मेरे एक गलत फैसले की वजह से किसी एक की ज़िंदगी ख़त्म हो गई, बर्बाद हो गई, तो मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तो जस्टिस यहाँ पर आया है, यानी कि इस इंसान के दिल में, है ना, अब वो एहसास है, अब वो फीलिंग्स है कि मुझे जो है जो भी मैंने गलतियाँ की है उसे अब सुधारना है, मुझे जो है इस इंसान को न्याय देना है। अब आपके बारे में मैं क्या कहूँ? क्वीन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों ही आपके एनर्जी है ना, आप जानते हो। तो ये आपको लेकर इतने ज़्यादा पैशनेट हो रखे हैं, इतना ज़्यादा इस इंसान को बिल्कुल भी आपको ये एक पल भी नहीं भूल पाए हैं, अगर ये आपसे अभी दूर है तो। गाइस इस बात को ज़रा बहुत ध्यान से सुनिए, एक पल भी ना आपके प्यार को भूल पा रहे हैं, ना आपकी खूबसूरती को भूल पा रहे हैं, ना आपने जो इन्हें हेल्प किया है उसे भूल पा रहे हैं। यानी कि आप इनके लिए एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर थे, जो इन्हें आप यहाँ पर महसूस हो रहा है, प्रेजेंट एनर्जी में महसूस हो रहा है ना, कि एक ऐसे इंसान को इन्होंने गलत ठहरा दिया या गलत साबित कर दिया या अपने से दूर कर दिया, है ना। वो एक ऐसा इंसान था जो मेरी ज़िंदगी को पूरा कर सकता है, जो मेरी दुनिया को पूरा कर सकता है, और आज ये इंसान मेरे पास नहीं है तो मेरी ज़िंदगी में अंधेरा है, अकेलापन है, मैं एक हारा हुआ इंसान हूँ। तो इस तरीके की फीलिंग्स यहाँ पर इनको हो रही है। आपको अपना परफेक्ट लाइफ पार्टनर मानते हैं ये इंसान, जिसमें हर चीज़ का टैलेंट है, है ना, खूबसूरती से लेकर दिल आपका इतना खूबसूरत है, आपका आपकी एवरीथिंग, है ना। अगर आप में खूबसूरती भी ज़्यादा नहीं है तो भी इस इंसान को वो हर चीज़ खूबसूरत लगती है, क्योंकि आपके दिल को चाहते हैं ये इंसान। क्वीन ऑफ कप्स हमेशा एक प्यारे इंसान, जिसके दिल में हमेशा प्यार होता है, नफरत नहीं होती किसी के लिए, ऐसे इंसान के रूप में आपको देखते हैं। और दिन रात सुबह शाम दो कार्ड्स आए हैं जो दिखाता है कि ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आपके बिना जो है इस इंसान की ज़िंदगी कहीं ना कहीं अकेली हो गई है, अधूरी हो गई है, और ये जो है एक हारे हुए इंसान की तरह अपनी ज़िंदगी बिता रहे, जो भीड़ में तो है पर खड़े हैं तन्हा अकेले, ठीक है, क्योंकि इनके दिल में शांति नहीं है, इनके दिल में प्यार नहीं है, वो खो चुका है। तो आप दोनों का भविष्य अब क्या है? मैं अब ज़्यादा लंबी चौड़ी भाषण यहाँ पर नहीं दूंगी गाइस, आप दोनों का भविष्य बस एक है, और वो है आप इनकी दुनिया में जा रहे हो, ये आपकी दुनिया में आ रहे हो, यानी कि आप दोनों को एक बनाया ही एक दूसरे के लिए गया है। बिल्कुल सोलमेट के कार्ड के साथ द वर्ल्ड का कार्ड आया है, आपने भी द वर्ल्ड का कार्ड सेलेक्ट किया है, तो अब आप खुद देख लीजिए, है ना, आप इनकी दुनिया में जा रहे हो, ये आपकी दुनिया में आ रहे हैं, यानी कि हिसाब किताब बराबर हो गया। आप दोनों को एक सर्कल कंप्लीट करना है यहाँ पर, आप दोनों को
एक दूसरे के साथ दुनिया घूमनी है, दुनिया बितानी है। उस दुनिया में आप दोनों का घर होगा, बाल बच्चे होंगे, आप दोनों का रिश्ता होगा, प्यार होगा, यानी कि सब कुछ आप दोनों को दिया जाएगा, यानी कि आप दोनों का भविष्य है टिल डेथ। टिल डेथ यानी कि मरते दम तक आप दोनों का रिश्ता साथ में निभने वाला है, एक ही दुनिया में। ठीक है, यहाँ पर अलग जुदाई ऐसी चीज़ें कुछ भी नहीं होने वाली, आप दोनों को एक दूसरे के लिए बनाकर ही भेजा गया है और यही है आप दोनों का भविष्य। समझ रहे हो पाइल नंबर टू, बहुत लकी हो। आपको अभी लग रहा है कि इतनी ज़्यादा बर्बादी हो गई है, ये इंसान ऐसा है वैसा है, इसने ये कर दिया वो कर दिया, पर आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि एक चमत्कार भी तो होना है जो हमें यहाँ पर रीडिंग में मिल चुका है, यानी कि मैजिशियन का कार्ड है ना। मैजिशियन यानी कि कभी कभी ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो हम कभी सोच नहीं सकते, है ना। कभी हमने सोचा था कि कोरोना जैसा कोई वायरस आकर दुनिया में तबाही मचा देगा? नहीं सोचा था ना। ये होता है कुदरत का कहर, ये होता है कुदरत का कहर, समझ रहे हो, है ना। तो ऊपर वाला चाहे तो हर पल हर वक्त, है ना, कोई भी सिचुएशन बदल सकता है जिसे हम नहीं सोच पाते कि क्या ये भी हो सकता है, बस वही हो जाता है। यानी कि मैजिशियन आपको मिला है, यानी कि ऊपर वाले की कृपा, ऊपर वाले का आशीर्वाद, एंजल्स का हाथ आप दोनों के रिलेशनशिप में है, बरकरार है, और आप यही जो है मदद करेगी, हर ऑड एंड इवन से निकल कर आप दोनों को एक दुनिया में लेकर आएगी। और ये काम आपको कुछ नहीं करना, आपके आपके जो पर्सन है उन्हें भी कुछ नहीं करना, बस चुपचाप बैठना है, शांत होकर चुपचाप बैठना है कि तुम जो देते जाओगे मैं लेता जाऊंगा। ओके, ऊपर वाले को चैलेंज करना है कि आप देते जाओ, गम दे दो, खुशियां दे दो, आई विल एक्सेप्ट, है ना। बस ऐसे रहिए, बिल्कुल नेगेटिविटी को निकाल दीजिए और बस इस चमत्कार का इंतजार कीजिए, क्योंकि ये आपके पोषण को बाय हुक और क्रूक यानी कि जैसे भी करके कहीं से भी आपके पोषण को आपकी दुनिया में लेकर आएंगे, क्योंकि इन्होंने ये ठान ली है। ठीक है, आप दोनों की फीलिंग्स कितनी मैच होती है देखिए, आप इन्हें अपनी दुनिया मान रहे हो, ये आपको अपनी दुनिया मान रहे हैं, ये आपको अपना सोलमेट मान रहे हैं, है ना। आप इन्हें अपना सोलमेट मान रहे हो, आप इन्हें दिन रात सुबह शाम याद कर रहे हो, और ये भी जो है आपको इतना ही याद कर रहे जितना आप याद कर रहे हो, है ना। आप ही इनके गुड ऑफर्स के लिए वेट कर रहे हो, और ये इंसान भी गुड ऑफर्स लेकर आपकी तरफ, गुड न्यूज़ लेकर आपकी तरफ बहुत जल्द बढ़ रहे हैं। यहाँ भी प्यार का प्याला, 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 यानी कि प्यार ही प्यार मुझे पूरी रीडिंग में सिर्फ और सिर्फ प्यार नजर आ रहा है आपके पोषण का आपके लिए, है ना। बहुत सारी चीज़ें जो ये आपको नहीं दे पाए थे, है ना, आज तक आप इनसे मांगते रहे और ये नहीं दे पाए, कभी मजबूरी का बहाना कर दिया, कभी अपनी आर्थिक स्थिति का बहाना कर दिया, या कभी परिवार का कास्ट का बात आपको बता दिया, तो जो चीज़ें देने से आज तक ये हिचकिचा रहे थे, डर रहे थे, है ना, वो सब तमाम चीज़ें बराबर तौल मौल करके अब आपको देना चाहते हैं। यानी कि सिक्स ऑफ पेंटिकल्स देने का कार्ड हमें मिला है, माइंड ब्लोइंग रीडिंग, माइंड ब्लोइंग कार्ड्स। मैं मेरा दिल बहुत खुश हो गया आज की रीडिंग देख कर, ओके। और ये आपको सब कुछ देंगे जो भी आपने इनसे चाहा है, जो भी आपके एक्सपेक्टेशंस है, ओके, वो आपको मिल जाएगी, ओके। और आपकी दुनिया में बहुत जल्द आ रहे, जी हाँ, बहुत जल्द आ रहे। कुछ लोगों को तो इस रीडिंग की रीडिंग देखते देखते ही इनका कुछ ना कुछ मैसेज, गुड न्यूज़ कॉल्स, है ना, अनब्लॉक करना, कुछ ना कुछ आपको हिंट्स इसी रीडिंग में मिल जाएगा, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है। और इन सब चीज़ों में कोई भी बकवास नहीं होगी कि ऐवे कॉल कर दिया, ऐसे ही कॉल कर दिया, वैसे ही कॉल कर दिया, ऐसी चीज़ें नहीं होगी। डायरेक्ट आपको यही कहेंगे कि इन्होंने आपको बहुत मिस किया, आपके बिना इनकी दुनिया बहुत अंधेरी थी, रो रो कर इन्होंने दिन बिताए हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं, बस ऐसी ही चीज़ें ये आपको बताएंगे, आपसे माफिया मांगेंगे कि मुझसे गलती हो गई, मेरे आसपास बहुत सारे लोग थे, है ना, फिर भी मैं अकेला था या अकेली हो गई थी, तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा था, बस प्योर जेन्यून चीज़ें होंगी इस इंसान की आपके लिए, समझ गए। कोई भी फालतू की बकवास नहीं, झूठ नहीं, कुछ नहीं होगा, ऐसा रीडिंग है ये आज का। तो आप दोनों के भविष्य में यही है कि आप दोनों को एक दूसरे का बनना है, एक दूसरे का होना है, इस चीज़ को होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि आप दोनों के रिलेशनशिप में ही ऊपर वाले ने ठप्पा यहाँ पर मार दिया है कि आप दोनों को एक बनाकर ही रहेंगे और इसे कोई नहीं बदल सकता। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग, आज मज़ा आ गया गाइस, बहुत मज़ा आ गया आज रीडिंग देकर। हालांकि ये जनरल रीडिंग है ना गाइस, पर मेरी विशेष है कि आप सभी को अपना सच्चा प्यार मिल जाए, बहुत जल्द आपके प्यार आपकी तरफ बढ़े, आपकी दुनिया में आए, आपको ढेर सारे गुड न्यूज़ दे, ढेर सारी खुशियाँ दे, है ना, प्यार का तोहफा दे, बस यही मेरी चाहत है, यही मेरी विशेष है। और आप दोनों एक दूसरे की दुनिया में आ रहे हो बहुत जल्द, ठीक है, यही है आपका भविष्य, साथ जीना है मरते दम तक आप दोनों को। तो यही था रीडिंग गाइस, आई होप आपको पसंद आया हो तो वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगी आपसे फिर से नेक्स्ट रीडिंग में,
तब तक आपको रखना है अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय गाइज़।